हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है भाई, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अच्छा फोन भाई, इस समय जोहर का टाइम था इसलिए नहीं उठाया। बताइए। सुबह का टाइम नहीं, कल कल जो आप कह रहे थे खाली टाइम पे फोन करता हूँ, और इंतजार करा, लास्ट में मैंने खुद कॉल करा, आपने फोन ही नहीं उठाया। कल मैंने फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया, मतलब? कल मैंने फोन करा था, आपने कहा खाली टाइम पे बात करता हूँ, काट के बाद काट दिए थे फोन। फिर मैंने इंतजार करा के कर रहे हो लेकिन करे नहीं। फिर तो बाद में आपका नाम मैंने क्या करा है? कम से जी आपका नाम? जी मेरा नाम सैयद अच्छा, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। पाकिस्तान का नहीं, मैं भारत का हूँ। भाई, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक ना? सैयद नहीं है यार, सैयद। अच्छा सैयद, वही तो मैं, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा, बताइए सैयद भाई। हाँ तो यही मैंने कल आपसे पूछा था कि आप मुकल्लिद नहीं है। भाई मुकल्लिद तो इस दुनिया में कोई नहीं है, सब गैर मुकल्लिद है। तो आप तो खुद नस्बत कर रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं आप, बरेली लोग। भाई हमको लग रहा है आपने रात को ज्यादा पी ली थी, जो अभी तक उतरी नहीं है, तो जब आपका अच्छा मेरे भाई नशा उतर जाए तब फोन कीजिएगा। तो भाई, नशे में मैं नहीं हूँ बिल्कुल, आप ठीक वैसी है। वैसी बातें कर रहे हैं यार, आप खुद ही सारी दुनिया जानती है कि जो अहले हदीस हैं वो भाई वो गैर मुकल्लिद हैं, और आप कह रहे हैं कि हम मुकल्लिद हैं। हाँ तो नहीं, यही तो मैं आपके मुंह से पूछना सुनना चाहता हूँ ना। आप जो तो कह रहे मेरे हैं मुंह कि से सुनना बड़े, चाहते हो तो साफ साफ हमसे पूछो ना, ये क्या हाँ तो होता वही है तो कि मैं, आप इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं? नहीं आप बरेली लोगों को कह रहे ना, आप अभी तो कह रहे हैं ना कि कोई मुकल्लिद नहीं है, तो इस बरेली दुनिया लोगों को में तो सब आपने गैर मुकल्लिद हैं, लेकिन हनफी लोगों को धोखा देते हैं कि हम तो मुकल्लिद हैं, लेकिन एक्चुअल में वो खुद गैर मुकल्लिद हैं। अच्छा तो एक और बात ये मैं आपने, साबित कर सकता हूँ 5 मिनट के अंदर कि आप गैर मुकल्लिद हो। अच्छा चलो ठीक है, 5 मिनट के अंदर साबित कर दोगे तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं इससे शवाल पहले एक के बात, 6 रोजे रखना आपके नजदीक क्या है? पहले आप मेरी बात पूरा नहीं सुन रहे हैं बताइए। मेरी बात। हाँ ये जो किसी की कॉल या किसी सुन लेने और बिना दलील के मान लेने से मुकल्लिद बन जाता है आपके कहने के नजदीक, भाई मेरा ठीक नहीं, ये है? हनफियों ने खुद ही तारीफ की है कि किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का हाँ नाम तकलीद है। तकलीद है, चलो ठीक है, तकलीद हो लेकिन ये गया। पुराने दौर की तारीफ है भाई, आज के दौर की तारीफ थोड़ी चेंज हो चुकी है। आज के अच्छा दौर की तारीफ ये है कि अपनी अपने आलिमों की, अपनी जमात की बात को मानना और कुरान हदीस को छोड़ना, इस अमल का नाम तकलीद है। अच्छा तो आप एक बात बता दो आप, मैं इतना इलम नहीं रखता हूँ अभी, ठीक है? अब मैंने हदीस मुझे पढ़ना नहीं आता, मैंने कुरान थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, वो भी बिना तर्जुमे के साथ, तर्जुमा नहीं करता हूँ। अब मुझे कोई यूं समझ लो जनाजे की नमाज पढ़ना है मुझे, ठीक है? तो उसमें कई तकबीर है, कंधे तक हाथों ले जाना है या कान के लौ तक ले जाना है, तो ये तो मैं, ये तो मुझे पता नहीं है हदीस में क्या है, नहीं है ना, मुझे आता नहीं है हदीस, तो मैं तो किसी के सुन के ही ना समझूंगा, किसी आलिम से, किसी से सुनूंगा तभी तो ऐसा अमल करूंगा। तो फिर तो ये तो वही हो गया, तकलीद हो गया, मैंने किसी मौलवी से सुना, किसी इमाम से सुना, तो मैंने उसका तकलीद कर लिया, तो ये क्या होगा? हाँ, तो ये आपके लिए मेरे भाई जो जवाज है उसकी हद तक जायज है, क्योंकि आपने मैंने भी, खुद ही कबूल कर लिया कि आपको ना अरबी आती ना उर्दू आती, आपको कुछ नहीं पता, कुल मिला के आप जाहिल हैं। तो जाहिल के लिए मेरे भाई जो ये तकलीद है वो मजबूरी है, लेकिन आपके तो हनफी अल्लामा बड़े बड़े आपके मसलक के इमाम कहते हैं कि हम मुकल्लिद हैं, तो वो काहे में जाहिल है? अच्छा तो आप एक बात बता दो, और मैंने तो किसी दलील नहीं मांगी इमाम से, उन्होंने कहा कि कान के लौ तक तो जितना बार ले जाना है, इतना रुकू करना है या सजदा भाई नहीं ये सब करना है आपको इसमें। सीखना है। आपको जब अल्लाह के नबी ने ये फरमा दिया कि दीन का इल्म हासिल करना सबके ऊपर फर्ज है, तो हाँ आपको बुनियादी बातें तो सीखनी पड़ेगी। जो नमाज सीखनी फर्ज पड़े, है
वो कैसे पढ़नी है, कहाँ पे क्या करना है, वो सब आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आपको अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। हाँ तो वही तो मैं भी कर रहा हूँ, मुझे सीखना पड़ेगा, मैंने एक आलिम से सीखा। तो सीखना ये इल्म हासिल करना है, तालीम हासिल करना है, सीखना तकलीफ थोड़ी ना होता है। हाँ तो मैं तो उनसे तो दलील नहीं मांगा ना एक एक। तो दलील अगर आपने नहीं मांगा तो ये मेरे भाई ये आपकी गलती है, आप गुनहगार हो गए। अच्छा तो आप जब बचपना में थे मदरसे में गए थे, मौलवी ने कहा था कि बेटा घर जाना, बाप को सलाम करना, माँ को सलाम करना, तो आपने भाई अल्लाह का शुक्र है कि हम आज तक कभी मेरे भाई जो मदरसा है उसमें कभी नहीं गए अल्हम्दुलिल्लाह, वरना अगर किसी हनफी मदरसे में जाते तो आज हम भी मेरे भाई जाहिल गुमराह होंगे। अच्छा चलो ये तो फिर आपके नजदीक है, हमारे नजदीक ऐसा कोई नहीं है। हमारे नजदीक देखिए आपके नजदीक क्या है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। आप कुरान हदीस से अपने अमल साबित कीजिए, हम इंशाल्लाह आपकी बात को मान लेंगे। अब आप किस चीज को जायज समझते हो, किसको हराम समझते हो, आपके मेरे वे समझने से दीन थोड़ी ना चलता है। अच्छा नहीं वही तो बात कह रहा ना, अगर दीन की मामले में किसी से मैंने पूछ लिया या मुझे इल्म नहीं है, देखिए या इल्म पूछना तकलीद अगर है तो गोया ये हो गया कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपको मेरे वहाँ आना है और आपने किसी पान वाले से पूछ लिया भाई यहाँ कोई अफू खान रहता है, तो पान वाले से आपने यानी कि पूछा, यानी कि पान वाले को आपने अपना इमाम बना लिया, आप उसके मुकल्लिद बन गए। तौबा तौबा, ये तकलीद इतनी गंदी चीज है कि पान वाले को भी अपना इमाम बना लेती है। अच्छा चलो ठीक है, बुरा मत मानना, मैं इसी ये दीन के ये दुनिया के बारे में से पूछने से भी तो ये तकलीफ हो जाता है ना। अरे भाई आप ही ने कहा ना किसी से कोई चीज पूछना वो तकलीफ है, तो आप किसी से कुछ भी पूछ लेंगे, आलिम से इल्म वाले से कुछ आप पूछेंगे तो ये आपके नजदीक तकलीफ है। तो यानी कि रस्ते में जमादार है, जमादार से आपने पूछ लिया फला मेरे भाई अस्पताल कहाँ है और उसको अस्पताल का इल्म है, यानी कि वो इल्म वाला है, आपने जमादार से पूछ लिया, उसने आपको बता दिया, आपने उसकी तकलीद कर ली, यानी कि जमादार आपका इमाम हो गया। तो ये अच्छा, कैसे कैसी मेरी भाई तकलीद है जो जमादार को आपका इमाम बना दी। अच्छा चलो अभी इसी बात से मैं बात करता हूँ, बुरा मत मानना ये मतलब मैं भाई बुरा ना मानो, होली है, ये सब बातें बाद में हो जाएंगी, आपको जो कहना है कहिए। हाँ वही मैं कहने जा रहा हूँ, जो कहने जा रहा हूँ उसको बुरा मत मानना ठीक है। मैं क्यों बुरा मानूंगा भाई, नहीं मैं मिसाल आप ही का दूंगा ना। देखिए मेरी मिसाल आप देंगे हाँ तो वो आपके ऊपर लागू नहीं होगी। हाँ इसलिए कह रहा हूँ बुरा। अच्छा चलो आप जब पैदा हुए थे बचपना में, या चलो आप मेरे बुरा हाँ मैं पैदा हुआ था और मैंने अपनी माँ को माँ मान लिया, बाप को बाप मान लिया, ये तकलीफ नहीं है। इसका सबूत मेरे पास मौजूद है कि मैं अपने माँ बाप की औलाद हूँ। अब ये आपको तकलीफ से साबित करना है कि जिसको आपकी माँ ने आपका बाप कहा वही आपका बाप है, ये आपको खुद साबित करना है तकलीफ से। ये तो यही तो तकलीफ हो गई ना, जब हमने हौस संभाला, दादा ने कहा जा बेटे ये तेरे पापा है, बहन ने कहा जा भैया ये तेरी माँ है, ये तेरी बाप है, तो ये तो तकलीफ ही हो गया ना, हमने तो मान लिया। यानी कि लोगों ने कहा कि ये तुम्हारा बाप है तो आपने माना, वरना बिना तकलीफ के बरकत के आप अपने बाप को अपना बाप मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। चलो भाई ये अकीदा तो वाजे हो गया आपका। नहीं मेरी बात तो पूरी सुनो पहले। नहीं बस समझ में आ गया ना, आपने मुंह खोला तो सब मामला मेरे भाई जितनी आपकी इल्मी सलाहियत थी सब बाहर आ गई। आज ना वही तो मैं पूछता हूँ, जब आप एक महीने के गोद में थे अपनी अम्मी के गोद में, तो आपको कहाँ से कैसे पता चल गया कि यही मेरी अम्मी है, यही मेरी अब्बू है, कैसे? एक महीने में एक महीने में क्या मैं क्या आपका वो हूँ गौसे आजम जो अपनी अम्मा के पेट में 18 पारे याद कर लेता है? एक महीने के बच्चों को क्या इल्म कि उसकी माँ कौन है, बाप कौन है, माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है? एक महीने के बच्चे को कुछ मालूम होता है क्या यार? तकलीफ इतनी बड़ी जहालत है कि तुमको ये भी नहीं मालूम, एक महीने का बच्चा बेचारा मासूम होता है, वो अपने अल्लाह के ताबे होता है, उसको दुनियादारी नहीं पता होता है। आपने कैसे मान लिया कि ये मेरी अम्मी है, ये मेरी अब्बू है? तो एक महीने में मुझे पता ही नहीं है ना, कि मेरे को तो एक महीने में ये भी नहीं पता है कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, दादा क्या होता है और दादी क्या होता है। एक महीने के बच्चों को ये सब कहाँ पता होता है? तो लोगों के कहने से ही तो माना, दादा के कहने से, बहन के कहने से, भाई के कहने से। एक महीने में कौन मुझसे आया था कहने के लिए? जब हम एक महीने के थे तो मुझसे कौन कहने आया था? मेरे को याद भी नहीं है ना।
अरे भाई ये तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक महीने के मिसाल आप इतनी मतलब भाई वो नीच और घटिया दे रहे हो। एक साल के मान लो, एक साल बाद कैसे तुमने पहचाना? दलील ये कहिए कि जब आप मेरे भाई 3-4 साल के हो गए थे तब आपको पता चला, वो बात अलग है। लेकिन इस्लाम में जो मेरे भाई शरई जो बात मेरे भाई लागू होती है वो होती है जब बच्चा बालिग हो जाता है, ठीक है। तो अब ये पूछे कि बालिग होने के बाद आपने अपनी माँ को माँ कैसे मान लिया, बाप को बाप कैसे मान लिया, क्या दलील है आपके पास? तो ये सवाल है ना। हाँ वही मैंने मिसाल दिया, एक महीने का चलो ये मान लो जवान। देखिए बालिग होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अम्मी अब्बू का निकाह हुआ था, निकाह नामा रखा हुआ है, ये सबसे बड़ी मतलब भाई सबूत है, दलील है। और हमारे मेरे भाई अम्मी अब्बू के निकाह में हमारे चाचा चाची मामा मामू दादा दादी नाना नानी सब शामिल हुए थे। उनकी मेरे भाई बकायदा जो मतलब जो बातें हैं शहादत है, ठीक है, गवाहियां मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरे भाई ये पूरा मेरे भाई दलाइल है कि मैं अपने माँ बाप की ही औलाद हूँ। अब इसमें जो वाजे बात है उसमें हमको तकलीद करने की कोई जरूरत ही नहीं। बिना दलील के अपने बाप को बाप वो मानेगा जिसको अपने बाप पे शक हो, जिसके उसके बाप होने के कोई सबूत ना हो, दलील ना हो। तो ये तो मजबूरी आप लोग की है ना कि आप लोग को यकीन नहीं है अपने बाप पे कि वो आपका बाप है। अरे यार हम लेकिन अहले हदीसों को पक्का यकीन है कि उसकी माई उसकी माँ है, उसका बाप है, उसका बाप है। मेरी बात तो सुनोगे, हमने कब कहा कि हमें शक है? हमने जब से हो संभाला तब। और दूसरी चीज जो जो मेरे भाई जो तकलीद है वो आपके वहाँ होती है मसाइले गैर मनसूसा में, और जो बेटा है वो अपने माँ बाप का बेटा है कि नहीं वो तो उसका अकीदा है कि ये उसकी माँ है, ये उसका बाप है, ये उसका अकीदा है, यकीन है। तो अकीदों में तो तकलीद होती नहीं है। तो आपने अपने बाप को बाप मानने में जो तकलीद की है ये तो अकायद में आपने तकलीद कर ली। तो ये तो मेरे भाई आप खुद ही मेरे भाई हनफियत से खारिज हो गए। अरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं हनफी हूँ। देखिए ये हर चोर कहता है कि मैं चोर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चोर है तो हम उसको भाई लात ना मारे। अगर चोर है तो लात तो मानना पड़ेगा ना। तो चोर होगा जब तो अच्छा इंसान कह देगा कि मैं चोर हूँ। नहीं चोर तो चोर भाई, चोर तो अपने आप को चोर कह देगा, जैसे हनफी अपने आप को हनफी कह रहा है, बरेली अपने आप को कुत्ता कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमको मानना पड़ेगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हनफी हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं हनफी हूँ। तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि आप चोर हैं। तो हाँ तो आप जो कह रहे हैं ना, तभी तो तकलीद में आपने चोरी कर ली। जहाँ पे तकलीद मेरे भाई जो मसाइल होते हैं फरूरी मसाइल उनमें तकलीद की जाती है, और आपने अपने बाप को बाप मानने में आपने उसमें तकलीद कर ली, यानी कि तकलीद में भी चोरी कर ली आपने। तो अरे भाई आप फिर समझे नहीं, तकलीद जैसे ही हमने एक कदम। अच्छा तकलीद आपके वहाँ क्या है, अमल है या अकीदा है? भाई आप मेरे कहने का मतलब समझ ही नहीं रहे हो। नहीं हम आपको समझा रहे हैं। देखिए अभी आपके लिए जो ये तकलीद है ये 2 मिनट बन जाएगी तकलीफ, ठीक है, क्योंकि जो भी मुकल्लिद मेरे से बात करता है तकलीद के ऊपर उसको तकलीफ हो जाती है, क्योंकि बेचारा तकलीद का जाल ही ऐसा है, ये ऐसा खिलौना है झुंझुना है जो उल्लू माओ ने अपनी अंधी आवाम को थमा दिया है, और वो मेरे वो झुंझुना लेके बजाते रहते हैं, उनको खुद को नहीं पता तकलीद क्या है। हम तो ये जानते हैं कि इतना दलील के किसी इमाम का कॉल, तो अल्लाह ताला ने इस तकलीद का रद्द कर दिया है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में, कुल हाथों बुरानकुम इन तुमकुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपना सबूत पेश करो, दलील दो। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि उनसे मेरे भाई दलील मांगो, जो सच्चा होगा दलील देगा। और आप मेरे भाई क्या कह रहे हैं, हम बिना दलील के मानेंगे, तो गोया आप झूठों की बात मान रहे हैं, क्योंकि जो झूठा होगा वही दलील भाई नहीं दे पाएगा, जो सच्चा होगा वो तो दलील दे देगा। तो झूठों की तकलीद आप कीजिए, हम तो सच्चों की इत्तबा करते हैं। मेरा अल्लाह सच्चा है, मेरे अल्लाह के नबी सच्चे हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बरहक है। और अल्लाह ताला ने ये कुरान में कब कहा कि ए ईमान वालों तुम लोग बिना दलील के लोगों की बात को मान लिया करो? एक आयत तो बताइए, बल्कि इसके उलट है कि नहीं सबूत मांगो दलील मांगो। तो ये साबित हो गया कि आपकी जो ये तकलीद है ये कुरान से साबित नहीं है,
और इसका रद्द अल्लाह सुबहान व तआला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में ये कर दिया है कि और उन्होंने अपने आलिमों को, उलमाओं को, दरवेशों को अपना रब बना लिया, अपना अल्लाह बना लिया। तो गोया आपने अपने मसलक के जो इमाम हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, उनको अपना रब बना लिया। वो कह देंगे हलाल है तो हलाल है, हराम है तो हराम है, तो आपने उनके अंधी पैरवी कर ली। अच्छा, आप चलो तुम्हारी सारी बातें मैंने मान लिया। एक बात तो मान लिया, तो अब तौबा कर लीजिए कि अफू भाई मैं आज इंशाल्लाह तकरीर से तौबा करता हूँ, मैं अपने भी किसी आलिम से कोई बात पूछूंगा तो उससे मेरे भाई दलील मांगूंगा, जब तक वो मेरे भाई दलील हमको नहीं देगा तब तक उसकी बात हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें बाप दादाओं का दीन नहीं चाहिए, हमें आसमानी दीन चाहिए जो सिर्फ है कुरान हदीस, ये आसमानी दीन है। ये तो बरहक है, वो तो मैं भी मानता हूँ, कुरान हदीस बरहक आसमानी दीन है और सच्चा दीन है, और बाप दादा का दीन मेरे भाई झूठा दीन है, ये भी मानिए। बाप दादा को मैंने देखा नहीं, फिर कैसे मैं कह दूं कि उन लोगों का झूठा दीन था? अरे तो बाप दादा ही तो आपके कह के गए ना कि भाई वो मतलब बिना दलील वाली बात मानना तकलीद है, तकलीद करना वाजिब है। अच्छा चलो, अगर दलील मांगना ही सही है, बिना दलील के मानना गलत बात है, तो अल्लाह एक है। अच्छा है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं आपका मान लीजिए हनफी आलिम होता और आपसे कहता कि डेली आपको 15 टाइम की नमाजें पढ़नी है फर्ज, तो क्या आप मेरी बात आग बन करके मान लेते? अरे नहीं मानते, क्योंकि आप कहते नहीं सारे लोग तो 5 टाइम की पढ़ते हैं। तो सही, पहले मेरी सवाल का जवाब दो, अल्लाह एक है या दो है? कुल हो अल्लाह अहद, अल्लाह एक है। ये किसने बताया? ये हमको कुरान ने बताया, अल्लाह के नबी ने बताया, मोहद्दिसीन ने बताया, सब ने बताया, अल्लाह के नबी ने बताया। अल्लाह के नबी से किसी सहाबा ने दलील मांगा कि अल्लाह एक है, उसकी दलील दो? यही तो आपके अंदर अकल की कमी है, नबी खुद एक दलील है। नबी सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक वो खुद एक दलील है, नबी से दलील थोड़ी ना मांगी जाएगी। हाँ तो दलील है तो फिर उनको मानते क्यों नहीं हो? तो आप नहीं मानते ना, नबी ने कब कहा कि बिना दलील के लोगों की बात को मान के उनकी तकलीद करने लगो? अरे यार साहबा ने दलील नहीं मांगा ना भाई, ये तो साहबा, नबी की तकलीद होती नहीं, तकलीद होती है गैर नबी की, आप साहबा पे कहाँ जा रहे हैं भैया? साहबा ने अल्लाह के नबी की इत्तबा होती है, और इत्तबा जो होती है वो होती है दलील के साथ बा दलील, और जो भाई जो तकलीद होती है वो होती बिना दलील। तो दोनों में फर्क है मेरे भाई दलील का, जहाँ मेरे भाई दलील आ जाएगी वो अमल आपका हो जाएगा इत्तबा, और जहाँ मेरे भाई बिना दलील होगा वो अमल आपका बन जाएगा तकलीद। तो अल्लाह के नबी तो खुद दलील है, नबी से कौन मेरे भाई दलील लेगा? अच्छा, जब अल्लाह तो ताला ने कुरान में कह दिया कि मेरा नबी अपने दिल से कुछ नहीं कहता, वो वही कहता है जो उस पर वही की जाती है, यानी कि नबी की बात भी अल्लाह की तरफ से है, तो नबी खुद एक दलील है। अच्छा, नबी दलील से मोहताज माज़ अल्लाह थोड़ी ना है, लेकिन आपके जो इमाम हैं वो दलील के मोहताज हैं, उनसे दलील मांगी जाएगी क्योंकि वो नबी नहीं है। अच्छा, नबी खुद दलील है, ये आपने अभी कहा ना, जो ना माने वो काफिर है, वो काफिर है, जो ना माने वो काफिर है, नबी खुद सर से बहुतों की एक दलील है। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबी का इल्मे गैब का इनकार क्यों? नबी का इल्मे गैब का इनकार इसलिए क्योंकि अल्लाह के नबी खुद एक दलील हैं, और अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि मैं गैब नहीं जानता, और अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा वो बयान करती हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 4855, कि जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के नबी कल क्या होगा जानते थे वो झूठा है। तो जो ये कहता है नबी को इल्मे गैब है वो झूठा है, मक्कार है, कज़ाब है, फरेबी है, दोगला है, धोखेबाज है, सब कुछ है वो। अच्छा मैं तर्जुमा करता हूँ कुरान का आयत, आप बता देना ठीक है, वो गैब बताने में वकील नहीं, इसका कुरान शरीफ का आयत पर वो गैब क्या? वो गैब बताने में वकील नहीं। हाँ तो बेशक है अल्लाह के नबी जो गैब है, जो छुपी बातें हैं, हाँ, जो अल्लाह की तरफ से आती है उसको बताने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं। जो जो अल्लाह बता देता है नबी को वो सारी हाँ, बातें अल्लाह के नबी उम्मत को बता देते हैं, कोई बात छुपाते नहीं है।
हाँ तो फिर अल्लाह नहीं करते, अल्लाह अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मैं वो गैब बताने में बखील नहीं, वो से मुराद नबी ही तो है भाई। देखिए आप पहले फैसला कर लीजिए, आपको बात करनी है इल्मे गैब पे या गैब की बातें बताने पे। देखो भाई मैं तो हर टॉपिक पे जैसे अल्लाह ताला है भाई, वो उसको अल्लाह को भाई हमने देखा नहीं है हाँ। तो भाई वो छुपा हुआ है ना हमसे, गैब में है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, अब हम लोगों से बता रहे हैं कि अल्लाह ताला है उसको मानो, तो यानी कि जो गैब है वो हम बता रहे हैं ना, यानी कि हाँ। हम गैब बताने में कंजूसी नहीं कर रहे हैं हाँ। इसका माना ये नहीं है कि हमको इल्मे गैब है। बात इल्मे गैब की हो रही है, साफ आयत पेश कीजिए कि मैंने अपने नबी को इल्मे गैब अता किया, ये अल्लाह ने कौन सी आयत में कहा? अच्छा अर रहमान खलकना इंसान, वो आयत तो है कुरान शरीफ में। हाँ बताइए। अल्लाह पाक कुरान में कुरान शरीफ में ये आयत है कि अर रहमान खलकना इंसान, इसका तर्जुमा क्या है? अरे भाई मतलब दलील आप दे रहे हो, आयत आप पढ़ रहे हो, तर्जुमा भी आप ही करोगे, माना भी आप ही समझाओगे, फिर हम आपको बताएंगे एक्चुअली इस आयत को अल्लाह के नबी पे नाजिल होने के बाद अल्लाह के नबी ने कैसे सहाबा को समझाया। पहले आपने जो मेरे पे गलत समझा है वो तो बयान ही कीजिए आप। मैं तो यही कहता हूँ, यही मेरा अकीदा है कि अल्लाह के नबी आइंदा गुज़स्ता तमाम चीजों का इल्म मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, वो भी तमाम चीजों का इल्म अल्लाह के नबी को है। ये अकीदा है, आपका बातिल है और इसकी सजा आपको ये मिलेगी कि अल्लाह सुबहानो ताला आपको जहन्नम में ठीक है फेंक देगा। अच्छा चलो, तो क्यों फेंक देगा? आप एक दलील दो कि अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते, एक भी आयत पढ़ो, एक भी कुछ हदीस पढ़ो। एक नहीं हाँ 25 आयतें कुरान की पढ़ूंगा हाँ। और 144 अल्लाह के नबी की सही हदीसें पेश करूंगा, वो भी हाँ। मेरे भाई बुखारी मुस्लिम से और हाँ। उसके बाद हाँ। 112 हनफी आलिमों के अकवाल बताऊंगा और उसके बाद 37 जो बरेलवी उलमा के पाए के चोटी के लोग हैं उनके हाँ। अलग अलग अकवाल पेश करूंगा। और लेकिन उसके बावजूद आप नहीं मानोगे, क्यों? एक बात, क्योंकि आपने जो अकीदा बनाया है कि अल्लाह के नबी सब कुछ जानते थे, माजल्ला अल्लाह हाँ। के नबी ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस का नंबर है 1039 और यही हदीस आती है इसका दूसरा नंबर है वो है 4627 और यही हदीस आती है बुखारी शरीफ में इसका तीसरा नंबर है वो है 7389 यानी कि 7379 और यही हदीस आती है जामे तिर्मिजी में और इसका हदीस का नंबर है 3290। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जो गैब है उसकी जो चाबियां हैं जो कुंजियां हैं वो पांच हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। पहला क्या है कि माँ के पेट में क्या होगा, दूसरा क्या है कि आने वाला जो कल है उसमें क्या होगा, तीसरा क्या है कि जो बारिश है वो कब आएगी, चौथा क्या है इंसान को मौत कब आएगी और पांचवा क्या है कि जो कयामत है वो कब आएगी। ये अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि ये पांच चीजों का इल्म अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता और आप अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ बांधते हुए कहते हैं कि अल्लाह के नबी को सब कुछ पता था, सारा इल्म था। और बुखारी अच्छा। शरीफ की हदीस नंबर 1000 जो मेरे भाई बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 109 कि जो जानते बूझते अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ मंसूख करता है उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। तो भाई आपकी जहन्नम तो पक्की हो गई, इसलिए मरने से पहले पहले बातिल अकायद से तौबा कर लीजिएगा वरना आपका बेड़ा गर्क है। अच्छा चलो, और हम नहीं चाहते हैं कि आप, हमारी आप, उम्मत का कोई भाई भाई मतलब आप, वो जहन्नम में जाए। अरे यार मेरी बात तो सुनोगे, मैं इतने खामोशी से सुन रहा हूँ आपकी, आप मेरा भी तो सुनोगे। आपने जितनी दलील दिया सारे दलील का मैं एक ही देता हूँ, अल्लाह पाक खुद कुरान में कहता है अल्लामा का मालम तकुन तालम, अरे महबूब जो आप नहीं जानते थे वो सब कुछ हमने आपको सिखा दिया, तो
तो इसमें रह क्या गया ये बताओ पहले। कुरान में हर चीज का जिक्र है या नहीं? हर चीज का नहीं है, दीन का जिक्र है। दीन के मामले में जो जो बातें थी सारा इस्लाम अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को सिखा दिया। इसका माना ये नहीं है कि सब कुछ सिखा दिया। क्या अल्लाह के नबी को इंग्लिश आती थी, उर्दू आती थी, हिंदी आती थी, चाइना आती थी, बंगला आती थी, मराठी आती थी? आप बताओ। अच्छा, चलो अच्छा, सारे लोग जानते हैं कि अल्लाह के नबी अरबी थे। अल्लाह के नबी की मेरे भाई जो जुबान थी वो अरबी थी। तो अगर अल्लाह ताला ने सब कुछ सिखा दिया ठीक है आपके अंधे कयास से, तो अल्लाह के नबी को सब कुछ आना चाहिए था, सारी भाषाएं आनी चाहिए थी। एक मिनट एक मिनट, अल्लाह पाक जो आप कह रहे हो तो एक बात बताओ, इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेज रहते हैं, वो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाए तो वो क्या अरबी में फरियाद करेगा? अरबी से वो सलाम करेंगे नबी से? अरबी आती है हम लोगों को? अरबी आती है हम लोगों को? और क्या अरबी आती है? अच्छा यूँ समझ लो आपके दो साल के बच्चे आपके साथ चले गए, आपके दो साल ना दीजिए। चाहे कोई दुनिया में कहीं पे भी हो, अमेरिका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, चाइना में, रूस में, ठीक है, कहीं पे भी हो, यहाँ तक कि जो अफ्रीका है वहाँ के जो आदिवासी हैं, जिनकी जो मेरे भाई जुबान है वो एकदम चपटी जुबान है, वो भी नमाज पढ़ते हैं, अजान देते हैं तो अरबी में देते हैं। हाँ तो ये आपके और जब वो मेरे भाई सलाम करेंगे तो अरबी में सलाम करेंगे। ये तो बरेलियों ने उर्दू में मेरे भाई सलाम बना रखा है, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, क्योंकि बरेलियों को अरबी नहीं आती थी। मेरी बात सुनोगे पहले? बताइए। अच्छा, एक वाकया ऐसा भी हुआ कि एक ऊंट पागल हो गया था, है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट के पागल होने से नबी के इल्मे गैब का क्या लेना देना है, बताइए थोड़ा। नहीं, आपने अभी जो कहा इल्मे गैब की बात नहीं चल रही, अभी आपने कहा कि अरबी सुनते हैं, अरबी में बोलना चाहिए, तो ऊंट ने कौन सी अरबी पढ़ ली थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान शरीफ के कान मुबारक के पास? ये दलील दो, कौन सी अरबी पढ़ी थी ऊंट? आप कौन हो, इंसान हो कि ऊंट हो? मैं इंसान हूँ। तो इंसान हो तो इंसानियत पे मेरे भाई अमल करो ना। अरे भाई, अरे यार, वो जानवर भी जानते थे कि अगर मैं जानवर नमल, अरे यार मेरी बात तो सुनो यार, पूरी सूरे नमल सूरह नंबर 27 आयत नंबर 17-18 में आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो चींटी होती है चींटी की बात को सुन लिया था। अब मैं आपसे पूछूं कि वो जो चींटी थी वो कैसे बोल रही थी? वो हिंदी बोल रही थी, उर्दू बोल रही थी, अरबी बोल रही थी? तो ये कोई सवाल होता है? हाँ, वो अरे चींटी जो बोल रही थी वो भाषा मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की समझ में आ गई। तो जो ऊंट था, ऊंट जो मेरे भाई बोल रहा था वो मेरे भाई समझ में आ गया। अब वो कौन सी भाषा बोल रहा था ये थोड़ी ना जिक्र है उसमें। तो आपने तो कहा कि अरबी में अरबी आती थी नबी को, इंग्लिश नहीं आती थी, चाइनीज नहीं आती थी, तो ऊंट को भी तो अरबी आनी थी। तो मेरे भाई ये तो सभी लोग मानते हैं ना कि अल्लाह के रसूल अरबी थे, अल्लाह के नबी की जुबान अरबी थी, और आप कह रहे हो कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को सब कुछ सिखा दिया, तो सारी भाषाएं सिखा दी, तो आप दलील दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी जबाने आती थी, ये मेरा ईमान है, मेरा दलील दीजिए। दलील आपका ईमान मेरे भाई इतना दो कौड़ी का ईमान है, घटिया ईमान है, लालती ईमान है कि नबी के ऊपर झूठ बोल दिया आपने। सही बुखारी हदीस नंबर 109, जो मेरे ऊपर जानते हुए उससे झूठ को मंसूब करता है उसका ठिकाना जहन्नम है, और नबी के ऊपर आपने ये बोहतान बांध दिया कि नबी सारी भाषाएं जानते थे, इतना घटिया ईमान है आपका, थू है आपके मुंह पे। तो ये इसका मतलब कि नबी को सिर्फ अरबी आती थी और कुछ नहीं आती थी? और क्या। तो एक बात बता दो, नबी कौन सी तारीख की किताब पढ़ी थी, कौन सी हदीस पढ़ी थी जो आई? नबी को तारीख की किताब पढ़ने की क्या जरूरत है भाई? नबी को आप कितना कोई वो थोड़ी ना है जो उनको पढ़ने की जरूरत पड़े। नबी को तो अल्लाह ताला ने सिखाया है दीन। तो अल्लाह ताला ने चाइनीज भी तो सिखा दिया, चाइनीज दीन सिखाया है ना, दीन अरबी में है, तो दीन अरबी में है, और जो कुरान है वो अरबी में नाजिल हुआ है। और कौन सी अरबी? जो अल्लाह के नबी के जो जो खानदान था कुरैश, उस मेरे भाई जो भाषा जो अरबी थी उसमें कुरान नाजिल हुआ है। तो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को सारा दीन सिखा दिया, सब कुछ तो नहीं सिखा दिया, सारा अच्छा दीन सिखाना और सब कुछ सिखाना जो नहीं जानते थे, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। दीन के मामले में जो अल्लाह के नबी नहीं जानते थे वो सारी बातें अल्लाह सुबहान तआला ने अपने नबी को सिखा दिया। कोई एक भी बात ऐसी नहीं मेरे भाई अल्लाह ताला ने
दीन के मामले में अल्लाह के नबी से छुपाई हो, कुछ नहीं छुपाया, सारे दीन को अल्लाह के नबी के ऊपर जाहिर कर दिया, सब कुछ सिखा दिया। अरे भाई खुद तो आप उर्दू या हिंदी कह लो या उर्दू कह लो, आप तो खुद बोलते हैं, तो नबी को तो ये आती नहीं। देखिए हम नबी नहीं है, ना मेरे ऊपर कोई शरीयत मेरे तो भाई तुम्हार, तुम्हारा तुम्हारा कहना यानी तुम्हारा कहना अल्लाह ताला ने सूरह अल्लाह ताला ने सूरह भाई गालिबन उस्मान थे हुजरात में, ठीक है, कि हमने इंसानों को अलग अलग जो मेरे भाई वो एरिए हैं कबाइल हैं उनमें उनको मेरे भाई उनको भेजा बसाया, और अलग अलग उनकी मेरे भाई भाषाएं जुबानें हैं, तो जुबानें सारे इंसान की अलग अलग हैं, लेकिन जो दीन इस्लाम है वो एक है, उसका जो मेरे भाई समझने की जो भाई भाषा है वो अरबी है। दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में रहेंगे अरबी में अजान होगी, अरबी में नमाज होगी। कोई एक ऐसा देश आप बता दीजिए जहाँ चाइनीज लोग भाई वो चाइना में नमाज पढ़ते हों, अमेरिका के लोग इंग्लिश में नमाज पढ़ते हों, और ये यार मराठी लोग मराठे में नमाज पढ़ते हो, बंगाल के लोग बंगाली में नमाज पढ़ते हो, ऐसा कुछ नहीं है, यार हर आदमी अरबी में नमाज पढ़ता है। अरे यार मेरी सामने वाले की तो सुनो यार, तुमने कहा अरबी आती, अरबी के अलावा कुछ नहीं आती थी, तो यूं समझ लो तुम अभी उर्दू में बात बोल रहे हो, तुमने कहा या अल्लाह मेरी मदद कर, इसकी दलील क्या है कि तुमने आपने उर्दू उर्दू में बोला अल्लाह मदद कर, अल्लाह तो नबी से अरबी में कलाम करता था। तो बात मतलब ये हो रही है कि अल्लाह के नबी को अरबी आती थी, अरबी के अलावा सारी भाषाएं ये भाई वो नहीं आती थी, लेकिन अल्लाह ताला सारी मेरे भाई भाषाओं को बनाने वाला है, ठीक है, जुबान को पैदा करने वाला है। अल्लाह से आप जिस मेरे भाई जुबान में आप अल्लाह से फरियाद मांगेंगे, दुआ मांगेंगे, अल्लाह आपकी दुआ को मेरे भाई कबूल करेगा, लेकिन नमाज अरबी में ही पढ़ना है। हाँ, लेकिन नमाज के बाद दुआ तो उर्दू में ही मांगते हैं ना। दुआ तो आप मेरे भाई आपको अगर इंग्लिश आती इंग्लिश में मांगो, अपनी अपनी भाषा से मांगो, लेकिन जो अरकान है वो तो अरबी में ही आपको पूरे करने हैं ना। तो इसी तरह से अभी आपने कहा कि नबी को सिर्फ अरबी आती थी, उसके अलावा कुछ नहीं आती थी। एक हदीस बता दीजिए कि अल्लाह के नबी ने नमाज तो अरबी में पढ़ी हो लेकिन दुआ इंग्लिश में मांगी हो, हिंदी में मांगी हो, तो हम मान लेंगे कि जो आपने जो बताया है कि मेरा ईमान है कि अल्लाह के नबी को सारी भाषाएं आती हैं, तो इसका कुछ सबूत तो होगा ना, या ईमान ऐसी हवा में अपना बना। अरे यार इससे ये साबित ये हो गया कि नबी को चाइनीज नहीं आती थी, उर्दू नहीं आती थी, इससे ये साबित दावा हो गया। आपका है तो दलील आप दोगे ना, ईमान आपने अपना बनाया है कि मेरा ईमान ये है कि अल्लाह के नबी को सारी भाषाएं आती थी, तो साबित आपको करना है, मुझे नहीं करना है। मैंने तो अल्लाह के नबी को अरबी आती थी, इसकी मेरे पे दलीलें आपके सामने पेश कर दी है, अब अरबी के अलावा कौन कौन सी भाषा आती थी उसका सबूत आपको देना है, मैं थोड़ी ना दूंगा। अच्छा चलो, कुरान शरीफ में है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल्लिल आलमीन, कुरान शरीफ में है अल्लाह के तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुबहान व तआला ने सारे मेरे भाई इंसानों के लिए जहान के लिए सबके हाँ। लिए रहमत बना के भेजा, तो इसमें ये कहा लिखा हुआ है कि सारी भाषाओं के साथ भेजा। अरे यार यहीं से आप खामोश इख्तियार करो, अब आगे मैं बोलता हूँ। अल्लाह सुबहान व तआला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। अब यूं समझ लो मैं यहाँ पे हूँ, एक छोटा सा गांव है, हम यूं समझ लो बंगाली बोलते हैं, हमें बंगाली के अलावा कुछ नहीं आता था, तो क्या हमारे लिए नबी रहमत नहीं है? हम नबी को किस भाषा में बुलाएंगे, किस भाषा से मदद मांगेंगे, नबी को किस भाषा से याद करेंगे, ये बता दो पहले। नबी को अरबी में ही मेरे पर याद करेंगे ना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब मेरे पे दुरूद पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद, तो ये अरबी में पढ़ेगा ना बंगाली, ना कि बंगला में पढ़ने लगेगा नबी को पद, तो यही तो कहेंगे ना कि बंगाली में, तो वो मतलब भाई आपने झूठ बोला है, आपको ये चाहिए था कि आप तौबा कर लें अपने बातिल अकायद से, लेकिन आप उसके ऊपर अड़े हुए हैं, यानी कि आप बन रहे हैं हुज्जते बंगाल, ठीक है, तो हुज्जते बंगाल ना बनिए। नबी को सिर्फ अरबी आती थी और कोई भाषा नहीं आती थी, और जो आपने ये कहा है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ बता दिया, कोई चीज पोशीदा नहीं रखी, ये बहुत बड़ा अल्लाह सुबहान ताला के ऊपर बहुतान है, ठीक है, ये झूठ ना बोलिए। दीन के मामले में सब कुछ बताया है,
अच्छा चलो, आपने ये कहा कि माँ के पेट में क्या है, ये अल्लाह, ये चार या पांच खमसा या क्या है वो बता रहे थे अभी कि माँ के पेट में क्या है, नहीं जानता, बारिश कब होगी नहीं जानता, कौन कब कहाँ मरेगा ये नहीं जानता। तो क्या कहते अबू अबू लहब की लकीर खींच के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पहले बताया था कि नहीं बताया था कि यहाँ पे अबू जहल मरेगा, यहाँ पे अबू लहब मरेगा? देखिए, जंगे बदर में अल्लाह के नबी ने एक दिन पहले बता दिया था कि कौन कब कहाँ पे मरेगा, वहाँ पे बकायदा निशान भी लगा दिए थे। अभी आपने तो दावा किया ना कि तो भाई दावा मेरा जो उसमें मेरा थोड़ी ना है, वो तो हदीस है बुखारी की ना, तो ये भी तो मानो कि ये भी तो ये जो हदीस है इसका माना तो समझो, तो इसका माना तो हमने समझ लिया। मतलब बिना अपनी अकल से अंग्रेजों के दौर वाली अकल लगाओगे या मेरे भाई सलफ सालीन वाली अकल लगाओगे? हमने दोनों अल्लाह को मान लिया। इसी हदीस में पूरी, देखिए जो हदीस आपने पढ़ी है ना, इसी हदीस में अगर पूरी हदीस आप पढ़ेंगे तो आपके मुंह पे तमाचा पड़ जाएगा। अच्छा, ये जो हदीस है जंगे बदर में अल्लाह के नबी लोगों को बता देते हैं कि ये फला शख्स यहाँ मरेगा, वहाँ पे निशान लगा देते हैं, वो यहाँ मरेगा, और जब जंगे बदर होती है अगले दिन तो वो मेरे भाई वहीं पे मरता है। ये बात अल्लाह के नबी को वही के जरिए बताई गई थी, क्योंकि अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान में मेरे भाई फरमा दिया कि मेरा नबी अपने दिल से कुछ नहीं कहता, वो वही कहता है जो उस पर वही की जाती है। तो अल्लाह के नबी ने खुद के इल्मे गैब से नहीं बताया था, ना ही अपने अताई इल्मे गैब से बताया था, बल्कि ये वही के जरिए बताया था कि कब कौन कहाँ कैसे फौत होगा। ठीक है, चलिए भाई, मेरे भाई टाइम बहुत हो रहा है और आपने दिमाग भी बहुत कर लिया है, बात करते हैं। अस्सलाम वाला मनी तबलुदा।